हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अपडेटेड रूम टूर लेके आओ, एंड बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि ड्रेसिंग टेबल का कुछ मेकओवर करो एंड उसका वीडियो लेके आओ। एक्चुअली आपको पता है फ्रेंड्स, हम कुछ दिनों से ये सोच ही रहे थे कि पूरे रूम का कुछ तो मेकओवर करता है। तो चलिए, आज सिर्फ ड्रेसिंग टेबल का ही नहीं, उसके साथ साथ पूरे रूम का मेकओवर करता है। बट बिफोर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स न्यू, चलिए एक बार देख लेते हैं पूरे रूम का व्यू। ड्रेसिंग टेबल एक्चुअली बहुत ही कंजेस्टेड हो गया है, एंड बहुत सारे स्टफ तो इधर के उधर भी हो गए हैं। वैसे रेगुलरली मैं ट्राई तो करती हूँ कि सारी थिंग्स अपनी जगह पर वापस रखूँ, बट फिर भी कभी कभी तो थोड़ी थिंग्स अनऑर्गेनाइज रह ही जाती है, एंड ये थोड़ी थोड़ी करके फिर बहुत सारी थिंग्स कलेक्ट हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो स्टार्ट करते हैं ड्रेसिंग टेबल से। सबसे पहले उसे खाली करते हैं, फिर उसको क्लीन करके अच्छे से मेकओवर स्टार्ट करता है। ये वाला टास्क ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, बिकॉज इसमें हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स चेंज नहीं करने, साथ में कुछ नए एंड यूनिक वे से सब कुछ अरेंज भी करना है। तो फटाफट से हम सब कुछ कर रहे हैं ड्रेसिंग टेबल में से खाली, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अरेंज द थिंग्स इन सम डिफरेंट वे। ये नेल पेंट के टूल्स है जो बहुत दिनों से यूज ही नहीं किया है, बिकॉज नेल्स क्लिप्ड है ना अभी, इसीलिए नेल आर्ट तो कोई की ही नहीं है। नाउ फाइनली ड्रेसिंग टेबल पूरा खाली हो गया है, एंड अब करते हैं ड्रेसिंग टेबल का क्लीनिंग। वैसे ड्रेसिंग टेबल ऊपर ऊपर से तो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे क्लीन करती हूँ, लेकिन सारी थिंग्स निकालेंगे तो ऑफकोर्स डीप क्लीनिंग तो लगेगा ना। वैसे डीप क्लीनिंग की बात हो ही रही है तो कमेंट्स में ये जरूर बता देना कि आपने अपने ड्रेसिंग टेबल को या फिर स्टडी टेबल को लास्ट कब बहुत अच्छे से सारी थिंग्स निकाल के डीप क्लीन किया था। तो ये है पूरा ड्रेसिंग टेबल, मतलब ड्रेसिंग टेबल के अंदर जो सारी थिंग्स ऑर्गेनाइज की थी वो सारी यहाँ पे आ गई है। एंड ये है हमारा खाली ड्रेसिंग टेबल जो अंदर से एकदम अच्छे से क्लीन भी हो गया है, एंड अब बारी है वो सारे न्यू ऑर्गेनाइजर्स लाने की जो हमने रिसेंटली परचेस किए हैं, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये है हमारा न्यू ऑर्गेनाइजर्स, एंड ये सभी नहीं, इनके साथ एक और ऑर्गेनाइजर है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड जब हमने वो देखा तो इतना यूनिक लगा और इतना क्यूट लगा ना कि हमने वो तुरंत परचेस कर लिया। एंड इसमें क्या क्या ऑर्गेनाइजर, कौन से ऑर्गेनाइजर में क्या क्या थिंग्स आएगी वो तो ऑर्गेनाइज करते करते पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमें लगता है इसमें बहुत अच्छे से ये थिंग्स आ जाएगी, लेकिन ऑर्गेनाइज करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं इसमें ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इस बार ना हमने सारे ऑर्गेनाइजर्स मल्टीपर्पज लिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजर सिर्फ ब्रेसलेट्स के लिए है या फिर इसमें सिर्फ नेकलेसेस ही रख सकता है। तो हमने सोचा पहले देख लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजर कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड फिर उस अकॉर्डिंग उसमें थिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। एक्चुअली ना अभी ऑर्गेनाइजर्स में ऑर्गेनाइज कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कौन सा ऑर्गेनाइजर कहाँ पे आएगा उसी चीज़ का इतना लंबा कन्फ्यूजन चल रहा है और इतना बड़ा कन्फ्यूजन है। तो एक काम करता है, ऑर्गेनाइज यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर लगेगा नहीं यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़े बोर हो जाओगे देखते देखते। तो एक काम करते हैं कि पूरा ऑर्गेनाइज होने के बाद फाइनल लुक के साथ हम आपसे मिलते हैं। 3, 2, 1 सो फाइनली पूरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हो गया है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या रखा है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रखा है ये रेनबो, एंड एक बो को भी यहाँ पे रखा है। तो अब आता है नई वाली क्यूट वैनिटी पर। तो ये वाली वैनिटी में हमने ऑर्गेनाइज की है सारे रिंग्स। Now let's have a look in this transparent organizer. तो ऊपर वाले ड्रॉअर में of course कुछ earrings है, and second वाले ड्रॉअर में है कुछ necklaces, कुछ flowers वाले है, कुछ unicorn, कुछ rainbow वगैरह वगैरह। अब क्या आपको याद है ये वाले nail paints पहले कहाँ थी? वो यहाँ पे थी, लेकिन अब ये वाले organizer में क्योंकि scrunchie बहुत अच्छे से fit हो गए थे इसलिए nail paints यहाँ पे रख दी। वैसे क्या आपको याद है मैं आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइजर के बारे में बता रही थी जो हमें इतना यूनिक लगा कि हमने जैसे ही देखा हमने तुरंत परचेज कर लिया? वो ऑर्गेनाइजर है ये। एक्चुअली ये सोफा भी है लेकिन ऑर्गेनाइजर भी है। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। ये सारे रिंग्स हमें लोकल मार्केट में 20-30 की मिलती है ना, वो है। एंड ये कुछ ब्रेसलेट्स है, लेकिन अगर हम इसे बंद करें तो ये एक सोफा है। एंड ये वाला स्क्रंची ना इसके ऊपर लुक में बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये रखा, एंड ये एक नेकलेस है। नाउ मूविंग टू दिस एरिया, एंड ये है हमारा फोर्थ शेल्फ।
जब मम्मा मुझे हेयर स्टाइल कर देता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ से ऑर्गेनाइजर्स को निकालना, फिर उनमें से रबर्स या फिर पिंस को चूज करना, इसलिए ये ऑलमोस्ट एम्प्टी रखा है एंड यहाँ पर ऐसे कॉम्पैक्ट वाले ऑर्गेनाइजर्स रखा है। तो ये ऑर्गेनाइजर तो आपने देखा होगा, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया है। पहले कुछ और था, लेकिन अब स्क्रंचीज आ गए हैं। अब ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा हो लेकिन मेकअप ब्रशेस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यूज भले ही रेयरली आए, लेकिन मेकअप ब्रशेस तो रखना बनता है ना। इसका ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी यूनिक किया है, कि आपने नोटिस किया नीचे पर्ल्स है डिफरेंट साइजेस के एंड ऊपर मेकअप ब्रशेस है, एंड इसके पीछे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बताऊँ, वो है ये, यहाँ पे है मॉइस्चराइजर, लिप बाम, लिपस्टिक एंड टेलकम पाउडर। अब ये सब देख के कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया ना, कि ये सारा तो हमने देख लिया, लेकिन एसेसरीज में से एक पूरी कैटेगरी मिसिंग है। अब अगर आपको माइंड में नहीं आया है तो आप सोचे कि कौन सी कैटेगरी मिसिंग है, तब तक हम यहाँ पे क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे है ये सारे डेलिकेट हेयरबैंड्स एंड यहाँ पे है कुछ रनिंग यूज वाली हेयरबैंड्स। अब यहाँ पर है सारे मिनी रबर्स एंड पिंस का खजाना, और इन सब से मम्मा मुझे अमेजिंग अमेजिंग हेयर स्टाइल्स बना के देते हैं। इसके बाद आता है ये वाला सेक्शन एंड यहाँ पे है सारी हेयर क्लिप्स। एंड ये जो लास्ट शेल्फ है उसमें है सारे बिग बिग रबर्स। तो ड्रेसिंग टेबल के अंदर क्या क्या है वो तो हमने देख लिया, अब आता है आपके क्वेश्चन का आंसर, वो है ड्रॉर्स। अब इन तीन ड्रॉर्स में से एक ड्रॉर्स में आपके क्वेश्चन का आंसर है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो डेली यूज के लिए हेयर एक्सेसरीज है। अब आता है आपके क्वेश्चन का आंसर, जो है ईयर टॉप्स। तो आपका क्वेश्चन यही था कि यहीं पर कहीं पर ईयर टॉप्स तो ऑर्गेनाइज की नहीं है, पहले ये पूरा यहीं पर रहता था, तो इस बार ऑर्गेनाइज किया है इस ड्रॉर में। एंड ये एक वो ड्रॉर है जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, पहले भी हेयर ड्रायर था अभी भी वो है। तो पूरा ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर, अब मूव करते हैं यहाँ पर। लेकिन आगे कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, इसलिए मम्मा ने रेडी करके रखा था ये बॉल। तो इसमें मिल्क में ऐड किए हैं शिया सीड्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड डेट्स। सो दिस इज अवर यम्मी यम्मी ड्राई फ्रूट बॉल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये ओपन वार्डरोब को खाली करना। तो गेम्स के बॉक्सेस तो सारे क्लीन हो गए हैं, अब इस एरिया का क्विकली मेकओवर करके दिखाती हूँ। तो फाइनली दिस मेकओवर इज आल्सो कंप्लीटेड। पहले यहाँ क्या क्या है वो देख लेते हैं एंड फिर यहाँ क्या क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर तो एज यूजुअल जैसे बेल्ट्स होते थे वैसे बेल्ट्स ही है, लेकिन ये जो हेडबैंड पुराना था उसको चेंज करके नया रख दिया है एंड ये पर्स भी। तो इस टाइप के जो ब्रेसलेट्स होते थे वो पहले मैं स्क्रंचीज के साथ रखती थी, लेकिन फिर ढूंढने में इतना प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए फिर इनकी प्लेस यहाँ पे कर दी। तो सारे ढूंढने में भी इजी रहेंगे एंड यहाँ पे लुक भी बहुत क्यूट आ रहा है ना। एंड विंटर सीजन थे तो पहले यहाँ पे जैकेट थे, बट अब इसका ऑर्गेनाइजेशन टोटली चेंज हो गया है, यहाँ पे आ गए हैं ये सारे टी शर्ट्स। सो नाउ इट्स लाइक एन ओपन वार्डरोब एंड यहाँ पे नीचे है कुछ गेम्स। तो ये वाले एरिया का मेकओवर थोड़ा सा ही हो पाया है कंपेयर टू अदर एरियाज, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल का पूरा मेकओवर हो गया है, ओपन वार्डरोब का भी पूरा मेकओवर हो गया है, लेकिन इस एरिया में थोड़ा सा ही मेकओवर हुआ है, क्योंकि अंदर तो सारी बुक्स है तो ऑफकोर्स उनकी जगह तो कुछ हम रख नहीं सकते, लेकिन ऊपर थोड़ा बहुत मेकओवर कर लिया है। यहाँ पर है गेम्स के बॉक्सेस एंड यहाँ पर क्या है चलिए दिखाती हूँ। ये ब्रशेस है, नेल आर्ट के टूल्स, साथ में कुछ डॉटिंग टूल्स भी है। यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने फेक नेल्स पर नेल आर्ट की है वो है एंड यहाँ पर कुछ डेकोरेशंस हैं। तो ड्रेसिंग टेबल का, इस ओपन वार्डरोब का एंड यहाँ का मेकओवर तो हो गया है, लेकिन अभी एक मेन चीज़ का मेकओवर बाकी है, वो है ये बेड। तो चलो उसका भी मेकओवर करते हैं एंड मेकओवर करते करते ऑलमोस्ट इवनिंग होने को आई है, उसके लिए हमारे पास है अमेजिंग अमेजिंग थिंग। तो चलो अब इस अमेजिंग से बेडशीट को अरेंज करते हैं।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये वाली डोरमेट भी चेंज हो गई। तो ये है पूरे न्यू रूम लुक का व्यू। एंड पहले वाले रूम लुक से अगर हम कंपेयर करें तो एकदम न्यू लुक लग रहा है ना। एंड इसी के साथ हमारा पूरे रूम का मेकओवर कंप्लीट हो गया है। हमें तो एक्चुअली मेकओवर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा एंड आप लोग ने भी हमारे साथ उतना एंजॉय किया होगा मेकओवर। एंड यस यस, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन से एरिया का मेकओवर सबसे बेस्ट लगा है। बाय बाय।